हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास साथ है मेरे यहाँ आईआईटी का सीनियर ब्रदर जुट्रीमोडा। तो भैया, आपके बारे में कुछ बताइए, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? अच्छा, ये प्लेन चला जाए पहले। हाँ, हिंदी में बोलना है? हाँ, जैसे भी कंफर्टेबल हो। हिंदी लग रहा था। नहीं, अभी ठीक है, तुम्हारे यहाँ के दोस्त भी देखेंगे ना। हाँ, मैं सोच रहा था मतलब। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है कि भैया मेरे सेम स्टेट से है, आसाम से। बड़पेटा है ना? नहीं, मेरा बोंगाईगांव। बोंगाईगांव, सॉरी, बोंगाईगांव नॉट एग्जैक्टली बोंगाईगांव, अभयपुरी डिस्ट्रिक्ट बोंगाईगांव की। हाँ, उनको मतलब आपको क्या क्या लैंग्वेज आता है? असमीज, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश। मल्टी टैलेंटेड गाय। अभी मेरा बोरो दोस्त लोग तो एग्री नहीं करेगा, लेकिन मुझे कुछ बोरो वर्ड्स भी आता है। मैं हैदराबाद में था तो वहाँ तेलंगाना वर्ड्स भी कुछ सीख गया था। और हाँ, काम चला हूँ मतलब। अभी मैं हाँ, बोरो होटल में जाऊँगा तो मुझे मतलब जितना खाने का आइटम है वो सब तो मैं बोरो में बोल लूँगा। ये चाहिए, वो चाहिए, या जो भी है, या कोई मेरा बोरो फ्रेंड्स लोग बात करेगा, मैं थोड़ा सा पिकअप कर लेता हूँ। ओके, नागामिस तो सबको आता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। आसाम का किसी को भी नागामिस आएगा ही। क्या ऐसे खड़े होके बोलना है या? हाँ, ऐसे भी बैकग्राउंड थोड़ा व्यू भी दिखाएंगे। हाँ, आते बोलेंगे। हाँ, तो आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? अच्छा, आप क्या कर रहे हो आईआईटी में, बताइए हम लोग का व्यूअर्स को। मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज हूँ आईआईटी में। तो वही उपासना से बात हो रहा था, मतलब इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि हम लोग का तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो यहाँ पे आईआईटी का मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो ये हमें आने के लिए थोड़ा साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड से होना सही, ऐसे लोग सोचते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? इनफैक्ट मुझे खुद को ही ना पता नहीं था कि आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट बोल के कुछ रहता है। हाँ, मुझे शायद पता चला 2015-16 ऐसा में शायद मुझे पता चला। हाँ, फिर जाके मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट के लोग आ सकते हैं ह्यूमैनिटीज के अंदर? हाँ, हाँ, मतलब ऐसा है कि ह्यूमैनिटीज में मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हूँ, तो वहाँ में कौन से लोग आ सकता है क्या मतलब? देखो, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज बोल के एक डिपार्टमेंट है, जैसे तुम लोग का इलेक्ट्रिकल का एक डिपार्टमेंट है या फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट है, उसी तरह ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में अलग अलग यूनिट रहता है। तो हमारे यहाँ यूनिट्स है, जैसे लिटरेचर है, सोशियोलॉजी है, फिर इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक है, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट आर्ट्स का मतलब। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री नहीं, ये दो इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के अलावा बाकी हाँ लगभग सभी है। ओके, तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे कोई लिटरेचर में एमए किया होगा, हाँ, उसको यहाँ आके लिटरेचर ही पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं है। खुद का पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं, मतलब टॉपिक ऑफ रिसर्च चेंज हो सकता है। जैसे हमारे लिटरेचर में, मैं लिटरेचर यूनिट से हूँ, हमारे लिटरेचर यूनिट में ही बीटेक का भी लड़का है। ओह, उसने बीटेक किया हुआ है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उनका बीटेक मतलब बैचलर्स डिग्री इसी लाइन से होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना? कोई भी डिपार्टमेंट का लोग आके अगर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो गया, इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, अच्छा, तब कोई पूछने वाला है नहीं कि आप बीटेक से हो, इसमें हो। किस टाइप का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है? हमने जो दिया था वो, जैसे हम लोग को पहले तो चूज करना होता है कि लिटरेचर का देना है या सोशियोलॉजी का देना है, इकोनॉमिक्स का देना है। तो मैं मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से, मतलब मेरा एमए मास कम्युनिकेशन में है मास्टर्स, और बैचलर अभी मैं, मुझे जो टॉपिक पे करना था ये कल्चरल स्टडीज या मास कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो लिटरेचर में ऐसे कुछ प्रोफेसर्स थे जो मास कम्युनिकेशन हो या परफॉर्मेंस स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, इनमें स्पेशलाइज करते हैं लिटरेचर के प्रोफेसर्स, तो इसलिए मैंने लिटरेचर यूनिट में अप्लाई किया। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन करने के बाद फिर से एंट्रेंस, यहाँ पे एंट्रेंस होगा ना? यही पे एंट्रेंस होता है। ओके, ओके। पहले तो हम वही अप्लाई करते हैं, उससे पहले तो जो होता है ना, जैसे नेट एग्जाम देना पड़ा, ऐसा भी होता है? नेट, जेआरएफ, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर क्राइटेरिया है वो है नेट एग्जाम क्वालिफाइड होना है। ओके, हाँ, तो जो नेट क्वालिफाइड होंगे वही यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ओके, ओके। तो फॉर्म भरना है, फॉर्म में मेंशन करना है लिटरेचर सोशियोलॉजी किसमें करना है, फिर एक वो देना होता है 800 वर्ड्स का एक प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, वो जस्ट प्रिलिमिनरी, वो बाद में जाके चेंज हो सकता है, वो देना होता है, और फिर एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गए तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर इंटरव्यू में पास हो गए तो हो गया, फिर एडमिशन हो गया, डन।
ओके, तो जो लोग अभी सपोज बैचलर्स डिग्री कर रहा है एंड उनका फ्यूचर प्लान है कि आईआईटी में जाके पीएचडी करना है, तो उनको उस प्रोसेस में थोड़ा एडवांटेज मिलने के लिए उनको क्या क्या करके आना चाहिए, जैसे कुछ इंटर्नशिप वगैरह हो गया, कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ मतलब सही है क्या? ये सब जरूरी नहीं है, कोई करता है तो ठीक है, अच्छा है, जितना लोग लर्निंग करेगा या फिर जितना ट्रेनिंग ट्रेन्ड होगा, स्किल्ड होगा, उतना अच्छा है, नो डाउट। लेकिन नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बैचलर, क्योंकि यहाँ मास्टर्स के बाद होता है ना, एमफिल नहीं है इधर, जैसे जेएनयू कुछ यूनिवर्सिटीज में एमफिल है, अभी तो जेएनयू में भी शायद एमफिल हटा दिया, अभी सिर्फ साउंड। तो यहाँ तो डायरेक्ट पीएचडी होता है मास्टर्स के बाद ही, मास्टर्स फिर नेट एग्जाम क्वालिफाई करके फिर पीएचडी। ओके, तो क्या क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? वही मतलब क्या मतलब करके आना चाहिए, मतलब और कैसे किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए उन लोग को, मतलब डायरेक्ट ऐसा आने एंट्रेंस देने से पहले भी प्रोफेसर को थोड़ा पर्सनली मेल करना चाहिए ना? वो भी जरूरी नहीं है, अभी बात यह है क्योंकि मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त है जो प्रोफेसर से पहले ही कॉन्टेक्ट किए थे कि मुझे इस टॉपिक में करना है, आपके साथ करना है, हाँ। तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे मेल वेल किया था, ईमेल, हाँ। मैंने नहीं किया था, हाँ। तो वो भी जरूरी नहीं है कि कुछ मेल वेल आपका मतलब एंट्रेंस एंड इंटरव्यू अच्छा हुआ तो आपको सिलेक्ट कर लिया गया था, हाँ। और मैं जिस प्रोफेसर के अंदर कर रहा हूँ, सर को स्टूडेंट शायद उस समय लेना था या फिर मेरा रिसर्च टॉपिक उनके साथ मैच हो गया, सर का इंटरेस्ट एरिया के साथ मैच किया, तो इसलिए हो गया। ओके ओके, तो एक्चुअली कोई प्रिपरेशन ऐसा सच कुछ है नहीं, और बहुत मेरे कई दोस्त हैं जो एमए के बाद डायरेक्ट आए हैं, अभी और कुछ ऐसे दोस्त थे, मैं खुद भी मतलब नौकरी किया है मैंने, मैं पीएचडी करने से पहले 7 ईयर्स यहाँ वहाँ नौकरी वोकरी काम वाम अपना फ्रीलांस का भी काम वो सब मैं 7 ईयर्स कर चुका, फिर मैं पीएचडी एडमिट मतलब अप्लाई किया, सही है, तो वो भी कर सकता है, वो भी यहाँ पे तो कोई एज लिमिट वगैरह है नहीं अप्लाई करने का, लिमिट तो का तो है नहीं, शायद नहीं, मुझे पता नहीं, मेरा नहीं है, नहीं हुआ नहीं ऐसे ही मतलब। तो और एक मैं बात पूछना चाहूंगी है, मतलब मे भी आखिरी क्वेश्चन, तो पीएचडी के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब ऐसे तो लोगों को पता है कि पीएचडी के बाद लोग कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं प्रोफेसर बनके, उसके अलावा भी क्या क्या मतलब डिपेंड करता है असल में किसको क्या करना है, हाँ। अभी कुछ लोग हैं जो शायद घर जाके वापस जाके कोई रेस्टोरेंट खोल देंगे या दुकान खोलेंगे जो मेरा वही फॉलो आवर हार्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा तो प्लान किया नहीं, तो अपना अपना है, अभी जिनको एकेडमिक्स में जाना है तो वो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, हाँ। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पोस्ट डॉक करना भी जरूरी है क्या? जनरली लोग फॉरेन में जाके करते हैं, अच्छा वो भी जरूरी नहीं है, मतलब है तो अच्छा है, हाँ। हो तो अच्छा है, आजकल तो इंडिया में ऐसा हो गया कि आपके पास अगर फॉरेन डिग्री है तो नौकरी मिलना थोड़ा इजी हो जाता है, बहुत जगह ये क्राइटेरिया ही रहता है कि फॉरेन से आने से कुछ कुछ जैसे वो एपीआई ना क्या होता है जो एक मार्किंग सिस्टम रहता है ना अप्लाई करने से एकेडमिक्स में प्रोफेसर के लिए, तो उसमें कुछ कुछ माफ भी हो जाता है अगर आप बाहर से पीएचडी या पोस्ट डॉक करके आते हो, उसमें भी अच्छा यूनिवर्सिटी को शायद प्रेफर करते हैं या कोई भी कॉलेज चलेगा, ऐसा कुछ है क्या, मतलब फॉरेन होने से डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है। ओके ओके, कुछ मैं कुछ दिन पहले ऐसे देख रहा था, दोस्त लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो दोस्त लोग अप्लाई कर रहे थे, तो देख रहा था कि वो कुछ रैंकिंग होता है ना, तो रैंकिंग में जैसे फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज से अगर किसी ने किया है बाहर, ओके ओके ओके, तो उसको एडवांटेज मिलेगा उस यहाँ का इंडियन यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई कर, तो वेरी करता है, कहीं ऐसा होता है कि कोई अभी रिसेंटली मेरा दोस्त मेरा फ्लैटमेट तो जानते हो, वो तो पोस्ट डॉक नहीं है, लेकिन उसको एक अच्छा पुणे में एक अच्छा यूनिवर्सिटी में मिल गया, हाँ, वो तो इधर दिल्ली में नौकरी कर रहा था ना, हाँ, नहीं यहाँ छोड़ के छोड़ दिया, वहाँ उसको एकेडमिक्स में जाना था, ग्रेट ग्रेट, मुझे नहीं पता था, एक यूनिवर्सिटी में वो कर रहा है, ओके ओके, तो यहाँ से जस्ट पीएचडी वो कम्प्लीट किया है, मतलब सबमिट किया है और वहाँ लग गया, तो यहाँ में तो पीएचडी के बाद तो कैंपस प्लेसमेंट तो होता नहीं है, तो लोग कैसे नौकरी लेते हैं, मतलब खुद जाके, हाँ, और कांटेक्ट बेसिस, हाँ, कांटेक्ट सीनियर्स विल गिव यू रेफरेंस, वो सब भी
थोड़ा रहता है, कुछ लोगों का जैसे नेटवर्किंग कॉन्टेक्ट वो सब रहता है या कंपैरेटिवली आसान हो जाता है ना, मतलब बिकॉज यहाँ पे बिल्डअप हो ही जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन वो नहीं होने से भी चलता है, बिना उसके भी लोग अप्लाई करते हैं, मेरिट बेसिस में मिल जाता है, तो इतना मुश्किल तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ। टैलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। हो गया क्या तुम्हारा? तो মই জি জি হুদিব লাগে খুদিলু, মতলব আচ্ছা দুটা ভিডিও হব নাকি, এটা অসমীয়া এটা নেই নেই মিক্স হোগা মেরে পে না মিক্স হো জায়েগা। আচ্ছা হিন্দি তো एक्चुअली क्या है ना, जो लोग बंगाली है, उड़िया है और हिंदी भाषी है, उन लोग का आसामी थोड़ा-थोड़ा तो समझ में आता है, बोल नहीं पाते। जैसे मैं बंगाली डिकोड मतलब समझ लेती हूं, नहीं बोल पाते। शायद उड़िया भी कुछ-कुछ समझ लेती हूं, ऐसा ही अभी समझ में आ जाएगा। हां समझ में ही आना है व्यूअर्स को, तो ऐसे ही है। अब देखिए आज का दिन काफी सुंदर है, बहुत अच्छी तरह से हवा मार रहा है, हवा थोड़ा ज्यादा मार रहा है। हाँ तो अब देख सकते हो, देखिए ये देवदारू, इसको क्या बोलते हैं असमीज में, तो देवदारू बोलते हैं ना ये जो पेड़ है। देवदारू ही है क्या? हाँ यही तो है। अच्छा मेरा जो टाउन है ना इंटरेस्टिंगली अभयपुरी, वो बोलता है कि लैंड ऑफ देवदारू, क्योंकि हम लोग अभयपुरी टाउन में पूरा लाइन अप किया हुआ है, चारों तरफ देवदारू ही है। ये मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये ना कुछ रॉयल लुक आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी देखिए ये ग्राउंड में देखिए लोग कैसे बैठे हुए हैं, धूप ले रहे हैं, विंटर का। हाँ विंटर में ही मतलब सन टेंट करना ना, क्या बोलते हैं इसको ऑरेंज में लोग काला होना चाहते हैं ना, तो उन लोग धूप में टैनिंग करते हैं, बट हम लोग तो इंडियन को तो गोरा होना पसंद होता है, हम लोग व्हाइट व्हाइट क्रीम लगाते हैं। तो मेरे सामने है ये है ब्लॉक नंबर 1, ये है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट की ग्राउंड फ्लोर में है गेट का ऑफिस, आईआईटी जेम का जेई का भी ऑफिस है, ऐसा ही है। और एक पता नहीं तुम ये रखोगे या नहीं, हम गेट का जो ऑफिस है हम असम के लोगों के लिए एक बहुत प्राउड प्राइड का बात है कि प्रवल तालुकदार सर वहाँ के इंचार्ज है। या मैं उनको मिल चुकी हूँ एक्चुअली। हाँ। मेरा सुपरवाइजर भी गेट ऑफिस में बैठते हैं। अच्छा। उनका भी कुछ ड्यूटी है गेट में। सर का ना एसएमएस न्यूज़पेपर में पूरा फोटो वोटो आया था सर का, कुछ कुछ एक अचीवमेंट था, कुछ साइंटिस्ट वगैरह कुछ अवार्ड मिला था, बेस्ट साइंटिस्ट ऐसा कुछ। हाँ रिसेंटली मतलब शायद 6 महीने पहले कुछ आया था ना न्यूज़पेपर में, एसएमएस न्यूज़पेपर में आया था। साइंटिस्ट लोग घर में प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन पेपर में आया था, मुझे लगा उस समय सर को फोन करता हूँ। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस ना, उनको मतलब आसाम से एक साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइज रिकॉग्निशन मिल रहा है। वो सर मेरी बीटेक कॉलेज से ही है, असम इंजीनियरिंग कॉलेज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अभी तो मेरा पार्टनर भी मिल गया ब्लॉग करने के लिए, हम लोग दिखाएंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर कलर्स ऑफ दिल्ली। तो जाने से पहले बोलूंगी ये मेरे भैया है, वो भी अच्छा खासा वीडियो बनाते हैं। आपका चैनल का नाम क्या है? बहुत लोग शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जाजावरी प्रोडक्शन। जाजावरी प्रोडक्शन, इसका मीनिंग क्या है वैसे? जाजावरी मतलब हिंदी में बोले तो यायावर बोल के हिंदी में एक वर्ड है, और एसएमएस में जाजावरी मतलब वंडरर नोमैड ऐसा टाइप है। तो भैया का भी YouTube चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके देखिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए उनका चैनल को भी, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो आल्सो इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो। ये जो हम बात कर रहे थे ना अभी एडमिशन प्रोसीड्यूर ये सब के बारे में, तो मैं क्या सोच रहा था अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली मेंशन कर सकते हैं, अगर कुछ पर्सनली भी बात करना है तो ईमेल कर सकते हैं, अगर बोलेंगे तो हम लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग का ईमेल एंड कॉन्टेक्ट नंबर व्हाटएवर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और एक कमेंट्स में और एक क्या कर सकते हैं आप लोग कि आप लोग को नेक्स्ट क्या कैसा वीडियोस चाहिए, कैसा वीडियोस देखना है, मन है आईआईटी कैंपस का क्या वीडियो देखने का मन है, कमेंट्स में मेंशन करोगे तो फिर तुम ही या मैं या हम लोग साथ में मिलके बना सकते हैं, सजेशन मिलेगा तो। तो अच्छी तरह से रहिए, हैप्पी रहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बाय।